हेलो स्टूडेंट्स, एनसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल की हमने क्लास में कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था और उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। इट मीन्स यदि दो चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं तो वो एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। ओके, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि वेक्टर फॉर्म को हम लोग पोजीशन वेक्टर में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन को पोजीशन वेक्टर की टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। कूलम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ पोजिशन वैक्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ पोजिशन वैक्टर्स। कल जब हमने इसकी वैक्टर फॉर्म निकाली थी तो हमने एक रेफरेंस डायग्राम बनाया था कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है क्या वन मैग्नीट्यूड का, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे है क्या टू मैग्नीट्यूड का, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, क्या टू जो क्या वन पर फोर्स लगाएगा उसको हम लोगों ने क्या कहा था, इसको हमने कहा था F12 वेक्टर, और Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा उसको हमने क्या कहा था, F21 वेक्टर। इसी टाइप से Q1 से Q2 की तरफ जो हमारा यूनिट वेक्टर था उसको हमने लिखा था R12 कैप, और Q2 से Q1 की तरफ जो हमारा यूनिट वेक्टर था उसको हमने लिखा था R21 कैप। ओके, अब ये तो है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, और हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा था, हमने एक्सप्रेशन लिखा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये हमने लिखी थी F21 वेक्टर इक्वल टू क्या बताया था मैंने, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखें K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, और इस एक्सप्रेशन को आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस फोर्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब F21 वेक्टर की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा कौन सा है, R12 वेक्टर, तो इसको R12 कैप से क्या कर दो आप लोग, मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय, अब R12 वेक्टर का जो अपना मैग्नीट्यूड है वो कितना है, मैग्नीट्यूड टोटल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, R डिस्टेंस है। आप ध्यान में रखें चाहे R21 का आप मैग्नीट्यूड निकालें तो भी आपको कितना मिलेगा, R मिलेगा, और R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तब भी आपको कितना मिलेगा, कैपिटल R मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो इसको आप लिखोगे कितना, R। अब ये वाला जो आपका वैल्यू है यूनिट वेक्टर का, ये इस एक्सप्रेशन में आपका क्या क्या, क्या कर दें, पुट कर दें इसको, तो F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखो R ये डिवाइड वाला और R स्क्वायर ये, तो R के क्यूब हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या बचा, R12 वेक्टर। अब मेरे को R12 वेक्टर निकालना है, मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना है चार्ज फर्स्ट से चार्ज सेकंड तक का, ये पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को इन दोनों चार्जेस की इंडिविजुअल पोजीशन को कंसिडर करना पड़ेगा, और किसके रिस्पेक्ट में कंसिडर करना पड़ेगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो इनके पोजीशन वेक्टर अपने को चाहिए, Q1 का पोजीशन वेक्टर चाहिए और Q2 का चाहिए, और पोजीशन वेक्टर आपको पता है कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन होती है, किसके रिस्पेक्ट में लोकेशन होती है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपनी लोकेशन होती है। तो मैं मान लेता हूँ कि इस ओरिजिन से Q1 का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इस डायरेक्शन में वो है हमारा R1 वेक्टर, और इसी टाइप से जो Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यदि हम चेक करें तो वो हमें मान लो कि मिलता है R2 वेक्टर, ये डायरेक्शन। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है R12 वेक्टर,
इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ कुछ, लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरे को क्या निकालना है, आर वन टू वैक्टर, और आर वन टू वैक्टर देखो कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ये आर वन टू वैक्टर है। तो आप लोग क्या करें, इस पॉइंट को जैसे मैं नेम दे देता हूँ ए, और इस पॉइंट को नेम दे देता हूँ बी, क्योंकि देखो आर वन टू वैक्टर निकालना है तो आर वन टू वैक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में यूनिट वैक्टर आर वन टू कैप है, उसी डायरेक्शन में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें क्या करता हूँ मैं ट्राइंगल रूल लगाता हूँ। और हमारा ट्राइंगल रूल क्या बोलता है कि जैसे मान लो कि ये वाला जो हमारा वेक्टर है आर वन वैक्टर, और यहाँ से ख़त्म हुआ, और जो हमारा आर वन टू वैक्टर होगा वो यहीं से स्टार्ट हो गया, और इस ट्राइंगल को अपोजिट वे में क्लोज करने वाली जो साइड है हमारी वो कौन सा वैक्टर है, हमारा आर टू वैक्टर है। देखो ओ से चलो ए तक सिक्वेंस में जाओगे, फिर ए से चलो बी तक सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन ये वाला जो आर टू वैक्टर है ये इस ट्राइंगल को अपोजिट वे में क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, रिजल्टेंट कौन होगा, आर टू वैक्टर। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, आर वन वैक्टर प्लस आर वन टू वैक्टर। तो यहाँ से आप आर वन टू वैक्टर की वैल्यू को निकाल लें, आर वन टू वैक्टर इक्वल टू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। अब ये आर वन टू वैक्टर की वैल्यू को आप लोग सब्सिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बाय इक्वेशन, या आप ऐसा लिखें पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ आर वन टू वैक्टर इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी फर्स्ट रख दें इसको, इतना मिलेगा एफ टू वन वैक्टर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और क्या है इसकी वैल्यू हमने निकाली, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। ये इसका बन गया हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, ये बन गया हमारा कूलम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ पोजिशन वैक्टर, इसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है ये वाली तो, ओके। इसी प्रकार से आप लोग यदि एफ वन टू वैक्टर को निकालना चाहो तो उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। एफ वन टू वैक्टर निकालोगे तो यहाँ पर लगेगा जो यूनिट वैक्टर वो कौन सा लगेगा, आर टू वन कैप लगेगा, और आर टू वन वैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आपका जो आर टू वन वैक्टर आएगा वो कितना आएगा, आर टू वैक्टर प्लस आर टू वन वैक्टर, ट्राइंगल रूल लगाऊं तो बराबर आना चाहिए किसके, आर वन वैक्टर के। तो हमारा आर टू वन वैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर, ये होगा। यदि आप निकालना चाहते हो एफ वन टू वैक्टर तो उसकी वैल्यू को आप डायरेक्ट लिख सकते हो के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर की जगह कितना हो जाएगा, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर हो जाएगा। ये हमारा फोर्स होगा कौन सा, एफ वन टू वैक्टर। अब ये दोनों जो फॉर्मूले हैं हमारे, ये कूलम्स लॉ के फॉर्मूले हैं, और कौन सी फॉर्म में है, पोजिशन वैक्टर की फॉर्म में, ये हमारे फॉर्मूले हैं, ओके। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, चलिए जी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कूलम्स लॉ पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको अपन लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैं इजी से लगूंगा, और इजी से लग के आपको टफेस्ट तक ले जाएंगे। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, हाँ जी। तो इसमें अपन लोग सबसे पहले बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल अपने क्या करते हैं, उठाते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल लेता हूँ मैं,
क्वेश्चन ये है कि अपन लोगों को दो चार्ज दे रखे हैं, दो चार्ज दे रखे हैं, एक दे रखा है सपोज दैट 2 कूलॉम और एक दे रखा है आपको 4 कूलॉम। ऐसे आपको दो चार्ज दे रखे हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की कंडीशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नोट नहीं करवा रहा क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाएगा, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन की कंडीशन को देख के क्वेश्चन अपने आप लैंग्वेज में नोट कर लें। दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक 2 कूलॉम मैग्नीट्यूड का, दूसरा 4 कूलॉम मैग्नीट्यूड का, और ये दोनों वैक्यूम में पड़े हैं, वैक्यूम में पड़े हैं, और वैक्यूम में 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। कितने डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं? 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक थर्ड चार्ज लेता हूँ। कौन सा चार्ज लेता हूँ? थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज का मीन क्या है? थर्ड चार्ज का मीन ये है कि फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, अब थर्ड चार्ज मैं सिस्टम के अंदर लेके आ रहा हूँ। पहले सिस्टम को देखो, कितने चार्ज थे? दो चार्ज थे, 2 कूलॉम है, कितना 4 कूलॉम, 16 सेंटीमीटर पे सेपरेट थे वैक्यूम के अंदर। मैं इस सिस्टम में एक थर्ड चार्ज को एंटर करा रहा हूँ, और इस थर्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, इस थर्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा है मान ले कि 1 कूलॉम, और उसको मैं इस लाइन पर रखना चाहता हूँ। ये वाली जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना 2 कूलॉम और 4 कूलॉम को, इस लाइन पर मैं कहीं रखना चाहता हूँ। तो मैं इसको कहाँ रखूँ, इस थर्ड चार्ज को इस लाइन पर कहाँ रखूँ कि इस थर्ड चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना रहे? 0 रहे। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, 2 कूलॉम 4 कूलॉम, वैक्यूम में 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं। एक थर्ड चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 कूलॉम, उसको हम लोग 2 कूलॉम और 4 कूलॉम चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर कहीं रखना चाहते हैं। तो कहाँ रखें उसको कि इस थर्ड चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए? 0 हो जाए। ओके, ये कंडीशन है अपने को। तो सपोज दैट मैं इस थर्ड चार्ज को क्या करता हूँ, इस पॉइंट पर रख लेता हूँ, और मैं इनको लोकेशन दे देता हूँ, जैसे ये ए है, ये बी है, ओके, और इस पॉइंट को अपने मान लेते हैं सी, मान लीजिए, और ये कितने कूलॉम का है अपना? 1 कूलॉम का है। इस पॉइंट पर मैंने इस चार्ज को रख दिया। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इसको कहाँ रखें, मतलब इसकी लोकेशन क्या होगी, ए से कितनी डिस्टेंस पर रखें, बी से कितनी डिस्टेंस पर रखें, मतलब लोकेशन क्या होगी ताकि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाए हमारा? 0 हो जाए। इट मीन्स गिवन अपने को क्या है, गिवन ये है कि नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज कितना है हमारे पास? 0 है। इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। बात समझ में आ रही होगी। अपने को फाइंड करना है कि ए से कितने डिस्टेंस पर है और बी से कितने डिस्टेंस पर है। ए और बी की डिस्टेंस कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये वाला जो सी है या 1 कूलॉम का जो चार्ज है वो ए से एक्स सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो सिंपल सी बात, अलजेब्रा आप लगाओ तो बी से कितनी डिस्टेंस पर रह जाएगा? बी से रह जाएगा 16 माइनस एक्स सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। अब कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है कि नेट फोर्स 0 है थर्ड चार्ज पर। तो आप पहले देखें कि इस पर नेट फोर्स होगा कितना, उसका एक्सप्रेशन निकालें, इस सी पर नेट फोर्स का एक्सप्रेशन निकालें, और एक्सप्रेशन निकाल के उसको किसके इक्वल कर दें? 0 के इक्वल कर दें। तो वहाँ से ये डिस्टेंस का जो वेरिएबल एक्स है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो कैसे होगा, देखो नेट फोर्स मैं कैसे निकालता हूँ। अब सी पर देखो फोर्स लगा कौन कौन रहा है। एक तो ए वाला जो चार्ज है 2 कूलॉम का, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है बात। बी पर जो चार्ज है 4 कूलॉम का, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी बात ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन निकाल के हम नेट निकालें, नेट फोर्स कितना होगा। अब जो ए फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि ए देखो पॉजिटिव का है, और ये सी पर जो थर्ड चार्ज है ये भी कौन सा है? पॉजिटिव का है। तो इन दोनों में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा ना तो ये इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड होगी। ऐसे इसको मैं कहीं ऊपर लिख देता हूँ, 16 माइनस एक्स। ये ए जो फोर्स लगा रहा है सी पर, एफ ए, ये इसकी डायरेक्शन होगी, इस साइड होगी,
इसको पुश करेगा ये, और बी वाला जो चार्ज है वो प्लस का है, वो इस सी वाले को पुश करेगा ए की तरफ क्योंकि रिपेल करेगा, इसको इधर साइड लिखते हैं एक्स। तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, एफ बी वैक्टर की। तो हमने टोटल जज किया इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं जी, एक एफ ए वैक्टर लग रहा है और दूसरा कौन सा लग रहा है, एफ बी वैक्टर लग रहा है। खुद तो ये खुद पर फोर्स लगाएगा ही नहीं लगाएगा क्योंकि खुद का इसकी जगह है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वो हम आगे की बात है डिस्कस करेंगे। ए फोर्स लगा रहे हैं बी की तरफ, बी फोर्स लगा रहे हैं ए की तरफ, दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स के जो वेक्टर हैं एफ ए वैक्टर एफ बी वैक्टर, उन दोनों के बीच कितना एंगल है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है। तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालें, तो 11th क्लास में एक वैक्टर का रूल था, यदि हमारे पास दो वैक्टर हैं, एक है हमारे पास ए वैक्टर और इससे अपोजिट है हमारा बी वेक्टर, या यूं कहें कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो, 180 डिग्री हो, तब हम लोग इनका जो रिजल्टेंट है ना वो कैसे निकालते हैं, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग इनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए माइनस बी कर देते हैं, और यदि सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड कर देते हैं। तो ये वाला रूल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एफ ए वैक्टर एफ बी वैक्टर 180 डिग्री एंगल है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेट फोर्स एफ नेट सी पर एफ नेट किसके इक्वल होगा, ये एफ ए माइनस एफ बी के इक्वल होगा, एफ ए माइनस एफ बी के इक्वल होगा। और ये नेट फोर्स अपने को दिया कितना है, दिया है अपने को जीरो, दिया जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए बराबर आना चाहिए किसके, एफ बी के। अब इनके वैल्यू पुट कर लो, एफ ए और एफ बी की वैल्यू आप लोग कूलम्स लॉ की हेल्प से निकालोगे। एफ ए निकालो पहले, एफ ए फोर्स किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो के का के रखा मैंने, क्यू वन कितने कूलम, टू कूलम, इन टू क्यू टू कितना, वन कूलम, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, ए और सी के बीच में कितना एक्स है तो एक्स की स्क्वेयर। दूसरी साइड जाओ, एफ बी निकालो, एफ बी किसका फोर्स है, बी और सी के बीच में, तो के का के, क्यू वन कितना आपकी बार फोर, क्यू टू सेम कितना वन, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी 16 माइनस एक्स की होल स्क्वेयर। अब क्या करें आप, के से के कैंसिल कर दें, वन से वन कैंसिल हो गया, टू से ये कैंसिल किया तो वन डिवाइड एक्स स्क्वेयर बराबर बचा कितना, टू डिवाइड 16 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल स्क्वेयर। अब स्क्वेयर रूट कर लें दोनों तरफ, स्क्वेयर रूट कर लें दोनों तरफ, ये बचेगा 1 बाई एक्स और ये बचेगा रूट टू डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लें, 16 माइनस एक्स इक्वल टू रूट टू एक्स, इधर साइड हम लेकर के एक्स को प्लस का बना तो ये ब्रैकेट में बचा रूट टू प्लस वन एक्स इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 16 डिवाइडेड बाय रूट टू और प्लस वन। रूट टू की वैल्यू भी आप जानते हो कितनी होती है, रूट टू हमारा होता है 1.414 और प्लस में कितना है, 1 है, इनको ऐड करोगे तो ये कितना बचेगा, 16 डिवाइडेड बाय 2.414 और इसको आप लोग डिवाइड कर लें तो लगभग आपका 8 सेंटीमीटर के करीब इसका आंसर देगा। ओके, यदि हमारा थर्ड चार्ज ए से लगभग 8 सेंटीमीटर और बी से भी लगभग 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पड़ा होगा, तब इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, हमारा जीरो होगा। ये क्वेश्चन था, ये कंडीशन गिवन थी और इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लीड किया इस क्वेश्चन को और इस आंसर तक पहुँचे। आशीष सर देखना कितने टाइम का हो गया, 20 मिनट का हो गया। ओके, बाकी की जो हमारे अभी फर्स्ट टाइप किया है हम लोगों ने, इजी से स्टार्ट किया है, अभी बहुत टफेस्ट न्यूमेरिकल इस पर आने वाले हैं, लगभग 5-7 प्रकार के होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है।